आज हम लोग जानेंगे, एक बोर्ड बनाना सीखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखेंगे। और देखिए ये जो बोर्ड है बिल्कुल छोटा बोर्ड है, एकदम जीरो लेवल से समझेंगे कि अगर बोर्ड में एक 5-पिन सॉकेट लगी हो और एक स्विच है, ये दूसरी स्विच है और एक और 5-पिन सॉकेट लगी है, तो हम इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं एकदम जीरो लेवल से। और देखिए इस कनेक्शन को समझने के बाद चाहे उसमें अगर ये सॉकेट की संख्या बढ़ा भी दी जाए तो भी हम कर सकते हैं, या घटा दी जाए तो भी कर सकते हैं, स्विच बढ़ा दी जाए, यानी किसी भी बोर्ड को, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हम उसका वायरिंग कर लेंगे। यहां से हम एक शुरुआत समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे। देखिए जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, जिसमें से वायर निकलता है लंबा सा, वो भी कनेक्शन सेम इसी प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें 2 5-पिन सॉकेट और 2 स्विच है, एक स्विच से एक सॉकेट को कंट्रोल करना है, दूसरी से हम दूसरी को कंट्रोल करेंगे। अब देखिए इसके स्क्रू को तो हमने पहले से ही खोल दिया, इसके अंदर तार वार कुछ नहीं लगा हुआ है, और अगर स्विच भी बाहर होती तो ये सबसे पहले मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो ये जो प्लास्टिक का बोर्ड है ना, ये बोर्ड आपको अलग से मिल जाएगा। और देखिए इस बोर्ड में ये जो कटा हुआ खाना कि जितनी दूर में ये 5-पिन सॉकेट सेट है या हमारी स्विच सेट है या सॉकेट सेट है, तो उतना कटा हुआ मिलता है ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ इसको लगाना है स्विच को, और ऊपर और नीचे 2 स्क्रूप लगे हुए हैं और उन्हीं दोनों स्क्रूप को लगा के टाइट कर देना है। अगर बोर्ड इस समय मॉडलर में भी तो बोर्ड आ रहा है ना, तो उसमें ये स्क्रूप टाइट नहीं करना पड़ता, बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम होती है, केवल स्क्रूप टाइट नहीं करना होता है। जो कनेक्शन का तरीका है वो मॉडलर बोर्ड हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों में हमारा सेम काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये, हमने सबसे पहले ले लेते हैं 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 2 वायर मेन वायर, इसको मेन वायर बनाएंगे, न्यूट्रल फेस बाहर के लिए निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 तार इसमें है ना, इसी में एक न्यूट्रल और एक फेस। अगर आपके पास 2 कलर के वायर हो तो 2 कलर का लगाइए, कोई बात नहीं है। और बताएं अंदर में जो बोर्ड के अंदर जो वायर लगाते हैं ना, जो तार लगाते हैं ना, जैसे देखिए इस बोर्ड के अंदर कोई तार लगा हुआ है, तो ये देखिए फ्लेक्सिबल वायर लगा हुआ है, पतला वाला तार, ये सारे जो वायर होते हैं ना इसको हम फ्लेक्सिबल वायर बोलते हैं। तो इस वायर को बोर्ड के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पर लोड होता है तो ये तार बोर्ड के अंदर जल जाता है जल्दी से, तो इस वायर को, ऐसे फ्लेक्सिबल वायर को नहीं लगाना चाहिए। तो जो वायर लगाना चाहिए, देखिए हमारा ये पीवीसी वायर होता है, तो पीवीसी वायर को लगाने से क्या होता है, ज्यादा लाइफ होती है, कोई लोड या थोड़ा बहुत लोड पड़ने पे जल्दी से शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ज्यादा दिन तक उसकी लाइफ चलती है। तो हमारे पास ये पीवीसी वायर है और इस वायर में देखिए एक न्यूट्रल और एक फेस के लिए 2 पॉइंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये हमारा नियम है। वायरिंग के 3 नियम होते हैं, नियम पे चलेंगे हम। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए सभी उपकरणों का मतलब समझें, कोई भी बोर्ड हो ना, उपकरण का मतलब होता है, जैसे ये 5-पिन सॉकेट है ना, ये उपकरण है, ये 5-पिन सॉकेट है, ये उपकरण है। अगर बोर्ड में इंटीग्रेटर होता तो उपकरण होता, फैन होता तो उपकरण होता, लेकिन यहां पर 2 5-पिन सॉकेट है, मतलब इस बोर्ड में टोटल 2 उपकरण है। शॉर्ट में अगर बोले समझने के लिए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्विच यानी बटन को छोड़कर जो कुछ बचेगा सब उपकरण है, मतलब स्विचों को छोड़ के जो बचा सब उपकरण है। तो दोनों स्विचों को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 सॉकेट, और यही दोनों सॉकेट उपकरण कहलाती है। तो हम इसके कनेक्शन की बात करें तो न्यूट्रल के वायर को, इसमें हम एक तार को न्यूट्रल मान लेते हैं, ठीक है, इस एक वायर को न्यूट्रल मान लेते हैं और इसको हम एक में जोड़ देते हैं। देखिए न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। एक चीज और आपको यहां पर क्लियर कर दें, न्यूट्रल और फेस इसमें किसी में जोड़ सकते हैं, वो तो है हमारा नियम, लेकिन इसके एक पॉइंट में यहां पे दिखाइए 5-पिन सॉकेट में, देखिए यहां पर एक पे लिखा है N और एक पे लिखा है L, N का मतलब इसमें न्यूट्रल देना है, L का मतलब इसमें लाइट देना है, ये नियम के अनुसार है। अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नियम के अनुसार N और L, सीधे में बात करें तो हमेशा बाएं साइड में न्यूट्रल होता है और दाहिने साइड में फेस निकलता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल और राइट साइड में फेस। देखिए लेफ्ट में न्यूट्रल, यही लेफ्ट इधर जाकर के उल्टा करते हैं तो राइट दिखाता है ना, देखिए ये न्यूट्रल और यहां पर लाइट मतलब फेस। तो न्यूट्रल और फेस 5-पिन सॉकेट में देखना है। स्विच की बात करें तो ये हमारी जो नॉर्मल स्विच होती है, इसमें ऊपर और नीचे के पॉइंट होते हैं। ऊपर का एरिया देखिए, इसमें पता कैसे चलता है कौन ऊपर रहेगा, ऊपर के एरिया में ये थोड़ी सी ज्यादा जगह खाली होती है हमारी नॉर्मल स्विच में, ये मॉडलर में उल्टा होता है इसका। नॉर्मल स्विच में ये ऊपर की एरिया हमारी खाली होती है, इधर भी देखिए खाली है, यानी कि स्विच का अगर निचले पॉइंट की जब बात करेंगे, मतलब समझ लीजिए अभी दोनों निचले की बातें हो रही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को हम किसी एक उपकरणों में जोड़ते हैं, तो देखिए न्यूट्रल के वायर को हम यहां पर जोड़ लेते हैं। न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है, तो हम क्या करें,
हमारा न्यूट्रल है, इसमें हम एक और तार जोड़ ले रहे हैं, ये एक तार और जोड़ ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम न्यूट्रल यहां देंगे, यहां से इस उपकरण में भी पहुंच जाएगा, तो हमारे दोनों उपकरणों में न्यूट्रल पहुंच जाएगा। तो देखिए न्यूट्रल के वायर को हमने कंप्लीट जोड़ दिया, देखिए ये न्यूट्रल है और सबसे पहले यहां से आया 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में और यहीं से निकल करके गया 5 पिन सॉकेट के दूसरे भी पॉइंट में, यानी न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के यानी दोनों 5 पिन सॉकेट के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया, यानी न्यूट्रल यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, यानी न्यूट्रल की वायरिंग बस इतनी होती है, कंप्लीट हो गया। एक नियम पूरा, नियम नंबर दो, नियम नंबर दो हमारा यह है कि फेस के वायर को, यानी ये जो फेस का तार है इसको सभी स्विचों यानी बटन, ये दोनों बटन है ना, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में, देखिए हमने बताया कि जो ये ऊपर का एरिया होता है खाली, यही पता चलता है कि ये ऊपर का है, तो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये हमारा नियम होता है। अगर हम इसको कभी उल्टा जोड़ देना, नीचे की बजाय ऊपर दोनों पॉइंट में जोड़ दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो काम करेगा, लेकिन नियम से हमें काम करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। तो यहां पर देखिए हमने इंसुलेटर को थोड़ा सा ज्यादा हटा लिया है ताकि ये यहां से यहां तक दोनों में पहुंच जाए एक ही बार में, तो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है, इसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ये फेस का वायर है और इसको स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिया, देखिए दो नियम पूरा हुए, न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक एक पॉइंट में और ये जो फेस का वायर है एक स्विच के निचले पॉइंट में और यहीं से यही तार पूरा क्रॉस किया दूसरे वाले के भी निचले पॉइंट में पहुंच गया, यानी दो नियम हमारे पूरे हो गए। अब नियम नंबर तीन, नियम नंबर तीन हमारा ये होता है स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी दोनों स्विचों में अभी एक एक पॉइंट खाली है ना, और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी दोनों उपकरणों में भी अभी एक एक पॉइंट खाली है, तो एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ देंगे, दूसरी स्विच को दूसरे उपकरण से जोड़ देंगे, किसी भी स्विच को किसी से जोड़ सकते हैं, जैसे ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको इसको हम जोड़ सकते हैं, ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको इसको हम जोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहां से यहां भी जोड़ सकते हैं या इस स्विच को यहां से जोड़ सकते हैं, लेकिन जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा, जैसे इस स्विच से इसको जोड़ेंगे तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट ऑन होगी, अगर इधर से इसको जोड़ेंगे तो उल्टा, आप चाहे तो यहां से इसको काम करवाना है तो करवा सकते हैं, आप इसके ऊपर पॉइंट को जोड़िए। तो देखिए स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ दिया और ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ दिया, वायरिंग हो गई कंप्लीट। एक बार फिर से हम आपको पूरी तरह से समझाते हैं, देखिए न्यूट्रल के वायर को यहां पर दिया गया, उपकरण के एक एक पॉइंट में दोनों में पहुंच गया, फेस का वायर दोनों स्विचों के निचले में पहुंचा और स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण में और दूसरी स्विच का बचा हुआ दूसरे उपकरण में, इसको हमने जोड़ दिया। अब हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं, इसको लगा करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, हमारा सही है कि नहीं सही है। तो देखिए सबसे पहले अब आपको बोर्ड में लगाना होगा, तो ऐसे अंदर एक गट्ठी मार लेते हैं, ये इसलिए मार लेते हैं ना ताकि ये खिंचा ना जाए किसी तरफ, तो यहां पर देखिए इस बोर्ड में कटा हुआ ऐसे कट भी बना होता है, ऐसे कट भी बना होता है, तो यहां पर इसको हम लगा लेते हैं, गट्ठी में पैक कर लेते हैं, इस तरह से इसको लगा के पैक कर दिया, ये बोर्ड में अब स्क्रूट लगा देंगे, हमारा बोर्ड बन करके देखिए कंप्लीट। अब इसे हमें चेक करना है, देखिए इस बोर्ड में हमने इंटीग्रेटर नहीं लगाया ना, इसको हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस बोर्ड में हम एक हमारे पास बोर्ड है इसमें पावर है तो इसमें हम लगा देते हैं और इसमें आ गई होगी हमारी लाइट और लाइट आने के बाद हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब से दोनों सॉकेटों को हम चेक करेंगे। देखिए सॉकेट का मुंह आप ही की तरफ है, उस साइड में है, देख लीजिएगा, और यहां पर हम लगाते हैं बल्ब, पहले एक में किसी एक में एक सॉकेट को लगाते हैं यहां पर और ऑन करते हैं सप्लाई को, देखिए यह ऑन ऑफ हो रहा है, बिल्कुल सही, हमारी एक सॉकेट बढ़िया से काम कर रही है। अब हम इसको दूसरे में लगा लेते हैं और दूसरे को भी चेक कर देते हैं, यहां पर देखिए यह भी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखिए यहां पर ये भी सही से काम कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से हम नॉर्मल बोर्ड को बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल की ये चीज थी, बिल्कुल भी जीरो लेवल से। तो अगर आप किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव इस बोर्ड से रिलेटेड रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग को भी जाकर के देखिए, तो चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।